हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी रेसिपीज विद आकांक्षा। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मजेदार चिली चीज टोस्ट की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से बना पाएंगे और ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चिली चीज टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चॉप की हुई वेजिटेबल्स ली हुई हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में थोड़ा बटर डालेंगे और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स हमने इसमें कट करके रखी हुई थी उन सभी वेजिटेबल्स को इसमें हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें गार्लिक जरूर डालिएगा, गार्लिक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज का क्यूब लिया हुआ था, उसे भी हम इसमें ग्रेट करके डाल लेंगे। एक टेबल स्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, एक टेबल स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इन सभी चीजों को हमने हाथ से मैश करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसे हाथों से ही मैश करिएगा, जिससे हमारा बटर और चीज आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और बटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें बारीक कटी हरी धनिया डाली है, इसे भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब ये मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ व्हाइट ब्रेड ली हुई है, आप चाहें तो व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं। इन ब्रेड स्लाइस को मैंने बेलन से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करने से हमारा जो बेस होगा वो थिन हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा चिली चीज टोस्ट बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसके बाद हम सभी स्लाइसेस में बटर लगा लेंगे। सभी स्लाइसेस में बटर लगाने के बाद नॉन स्टिक पैन को गर्म कर लेंगे और जिस साइड हमने बटर लगाया हुआ था उस साइड से हम ब्रेड को अपना सेक लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्रेड को हमने एक ही साइड सेका हुआ है। अब ब्रेड स्लाइस को निकाल लेंगे। और जिस साइड से हमने सेका हुआ था उसी साइड पर हमने जो मिक्सचर बना करके तैयार किया था उसे इसमें रख देंगे और अच्छे से फैला करके इसमें लगा लेंगे। इस मिक्सचर की एक पतली सी लेयर हमको लगानी है। अब सभी ब्रेड स्लाइस में हमने ये मिक्सचर लगा लिया है। इसके बाद हम उसी पैन को गर्म करने के बाद ये सारे ही टोस्ट अपने सेक लेंगे। इसे ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में सेकेंगे। आप देख सकते हैं कि बटर हमारा पिघल गया है और चीज़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें बीच से कट करके इन्हें सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना बेहतरीन और लाजवाब लग रहा है। इसके बाद मैंने चीज़ क्यूब को इसके ऊपर ग्रेट कर लिया था और ऊपर से कुछ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल करके इसे सर्व करेंगे। देखने में ये एकदम पिज्ज़ा जैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको चिली चीज़ टोस्ट की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।